है, यही मेरा 5 स्टार वाला किचन है फिलहाल के लिए। लोगों को खिलाऊंगे नहीं तो मंडे से सैटरडे तक मेरा ऑफिस रहता है और उसके बाद मेरा यूट्यूब का काम वगैरह रहता है, एडिटिंग रहता है, शूट रहता है और कंटेंट लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ। आज गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे है, मुझे बहुत ज्यादा काम है और आज थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं है क्योंकि आज छत पे काम लग रहा है, मेरा मंदिर का काम लग रहा है, तो इसीलिए मुझे तो आज बहुत ज़्यादा काम है। मुझे बहुत ज़्यादा खाना बनाना है वैसे सबसे बड़ी बात, तो इसलिए मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेके आना है और चिकन विकन कुछ कुछ लेके आना है और स्पेशल पोर्क तो लाना ही है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ मार्केट। और वनायु नहीं जा रहे, मैंने उसको बोला जाओगे तो वनायु नहीं जा रहे, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ झलक कि मेरा ऊपर का काम कितना आगे बढ़ रहा है वो भी दिखाती हूँ। और मेरा फॉल्स सीलिंग भी फाइनली हो गया है वो भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मेरा घर कंप्लीट ही हो गया है, बहुत ही जल्दी जल्दी हो गया है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी घर पे आना है, उस घर पे अब नहीं होता है, बहुत दिन हो गया है, अब इतना दिन भी वहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए हमारा घर भी जल्दी जल्दी हो गया है और फॉल सीलिंग का काम भी हो गया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा फॉल सीलिंग थोड़ा थोड़ा बन रहा है और कंप्लीट ही होने वाला है फॉल सीलिंग। और यहाँ पे किचन में भी लाइट वगैरह लग गया है, किचन भी कंप्लीट हो रहा है और हमारा भाई पुडिंग मारेगा इसलिए वो वहाँ पे बिजी है। और यहाँ पे हो ही गया है रूम पे, अभी थोड़ा सा और एक लेयर बाकी, आरो लेयर आते नहीं भाई जी, आरो लेयर मईबा नहीं, आरो मईबा हाँ, और एक लेयर बाकी है, उसके बाद तो हो ही जाएगा वहाँ पे मेरा टेम्पररी वाला स्टूडियो, ये बाद में दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन अभी धीरे धीरे निकल रहा है और लाइट वगैरह यहाँ पे लगेगा और ये भी रूम का भी हो ही गया है, तो मैं आप लोगों को ऊपर दिखाती हूँ, ऊपर का काम चालू है। और मैं तो वैसे मार्केट जा रही हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा भाई लोग कितना काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं इन लोग, बहुत अच्छे हैं, और कोई कोई अच्छे नहीं है, कोई कोई अच्छे है। तो यहाँ पे इन लोग काम पे लग गए हैं और अभी यहाँ पे उसमें मसाला जाएगा, इसी वजह से इन लोग पूरा बिजी है काम पे। और ये डिज़ाइन मैंने खुद किया है, पता नहीं ये लास्ट में क्या बनेगा बट डिज़ाइन मैंने किया है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनेगा। तो भाई लोग सब लोग काम पे लग गए हैं और पर जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। यहाँ पे मसाला बन गया है भाई जी, आज शॉर्ट हो जाबो नी, कैटा बजे लगे हम हो जाबो তুমি ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত আহিলা আজি? ছটা বজাতে। তো দেখি ইয়াৰ পৰা মছলা ৰেডি হৈ গিয়া হে, আপ বনেগা আজি কি খাবা ভাত? গাহৰি মাংস খাবা? तो इन लोग भी आज पोर्क खाएंगे। और यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट खाया था तो वैसे ही पड़ा हुआ है, इसको बस यहीं पे खाया था, तो ये सब भी साफ करना पड़ेगा। और धूप में मैं आजकल ज़्यादा नहीं ऊपर आ सकती क्योंकि फेस पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा दर्द भी होता है धूप में। खैर कोई बात नहीं, चलिए अभी हम लोग चलते हैं मार्केट। हम लोग को ऊपर दिखा दिया है कितना ज़्यादा काम चल रहा है और जल्दी जल्दी करके जल्दी जल्दी घर पे जाना है वहाँ पे, क्योंकि ये घर से अब नहीं होगा रहना क्योंकि अब यहाँ से पानी भी गिरता है ऊपर से। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पानी कितना टपक रहा है कि तो मेहनत करना पड़ता है। तो आधा रात को अगर बारिश भी आ जाए तो उठ के फिर मच्छरदानी के ऊपर कपड़ा दो, एडजस्ट मेन चीज़ है और मैं एडजस्ट करती हूँ हमेशा लाइफ में, और शायद ही हम सबको एडजस्ट करना चाहिए तभी कुछ हो सकता है आगे। और मैंने एडजस्ट किया तो अभी फाइनली नया घर जा पाएंगे अभी। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, पर मुझे खाना बनाना है आज, कम से कम 12-13 जन के लिए खाना बनाना है, तो मैं लाऊंगी पोर्क और कोई चिकन खाएगा। तो चलिए चलते हैं मार्केट से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से निकल रही हूँ, जैसे घर पे रहती हूँ वैसे ही निकल रही हूँ, बस थोड़ा सा स्किन का यही दुख भरा रहता है हमेशा कि ये कभी अच्छा होते ही नहीं है। दिखाएंगे इस बार तो अच्छा होना पड़ेगा, इस बार डॉक्टर को अच्छे से दिखाएंगे कि अच्छे से हमारा स्किन को अच्छा बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग वाला व्लॉग्स, और आप लोग हमारे साथ रहिए। और बैग बैग लेके रेडी हो गई हूँ मैं, तो ओ नहीं, बैग लेने से तो नहीं होगा, स्कूटी का चाबी कौन पकड़ेगा, तो स्कूटी का चाबी भी रेडी हो गया है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हां स्कूटी गिर गया है, देखिए मैं कहां गिर गई हूं। स्कूटी गिर गया कैसे? थोड़ा सा गेट का स्लोप है इसीलिए मैं थोड़ा सा गिर गया हूं, तो स्कूटी पूरा स्कूटी सभी गिर गया, तो सोचा ये चीज आप लोगों को मैं दिखाऊं कि देखिए मैं मतलब मैं गिरते लड़ते कहां कहां किधर किधर चले जाती हूं। तो मार्केट जाने टाइम में मैं गिर गई हूं, थोड़ा बहुत पैर पे लग गया है मेरा, फिर भी पूरा धूल वगैरह लग गया मेरे बैग पे, तो कोई बात नहीं। तो मैं पहुंच गई हूँ मार्केट और इससे ही आलू लेती हूँ, जैसे कि आप लोग भी इसको पहचान ही चुके होंगे अभी तक कि मैं आलू हमेशा इसी से लेती हूँ। और ये शिवसागर का सेंट्रल मार्केट है, यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह कुछ भी हो, सामान ग्रॉसरी कुछ भी हो, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और मैं एग ले रही हूँ क्योंकि वनाई को सुबह सुबह एग देती हूँ बॉयल एग, तो इसलिए मैं एग भी ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने ले लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्वीट्स ले रही हूँ चाय के साथ पीने के लिए, खाने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्वीट ले लिया। और बनाए के लिए एक पेस्ट्री लूंगी यहाँ से। और आते वक्त ही मैंने पोर्क मिला, तो आप लोगों को पता है मैं पोर्क लेके आई, मतलब लेने ही आई थी, तो मैं पोर्क ले लिया हूँ। और यहाँ पे भैया भी चिकन ले, मतलब चिकन रेडी कर रहे हैं मेरे लिए। तो आते वक्त ही मुझे मिला था, बेर मिल गया था मुझे, और मुझे बहुत ही पसंद है बोगोरी। तो मैं अचार बनाने का तो मुझे बहुत मन था, पर अभी तो टाइम भी नहीं है बनाने के लिए, अभी तो मैं बिजी हूँ 2-3 दिन, तो इसलिए मैंने ऐसे ही ले लिया। और आते वक्त ही मेरा घर के नेबर के घर से मैंने नींबू लिया था, तो नींबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पता है मैं ईटिंग शो और मुकबंग में भी नींबू हमेशा लेती हूँ, तो मैंने 2 नींबू लिया था यहाँ से, और मुझे बहुत ही ज़्यादा नींबू अच्छा लगता है, मतलब नींबू के साथ ही खाना खाना अच्छा लगता है। मैं पहुंच गई हूँ घर मार्केट से, और मैं गिरा था इसलिए थोड़ा सा दर्द हो रहा है पैर में, कोई बात नहीं, गिरना पड़ना तो लगा रहेगा। अब हम खाना बनाएंगे, और मैं ना आते वक्त कुछ स्वीट्स लेके आई थी जो कि चाय पीने के लिए, और मैं शाम को जब चाय दूंगी इन लोगों को तब मैं निकालूंगी वो स्वीट। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए मैंने चिकन और पोर्क दोनों लेके आई हूँ, सो जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे। और ऊपर उन लोग काम पे लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत देखते हैं कि छत का कितना काम हो गया है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाफट देखते हैं कि काम कितना कितना हुआ। तो यहाँ पे भी काम हो ही गया है, मतलब यहाँ पे मसाला ऑलरेडी डाला हुआ है, मतलब डाल रहे हैं इन लोग। तो ये मंदिर का काम हो रहा है एक्चुअली, बीच में जो है वहाँ पे मंदिर बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी हो गया है। तो नीचे वाला पुडिंग भी कर रहे हैं, मतलब पुडिंग लगा रहे हैं इन लोग भी, तो ऑलमोस्ट हो ही गया है सब कुछ। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, हम लोग अभी घर पे जा सकते हैं, शायद ही हम 12-13 को घर चले ही जाएंगे, मतलब घर पे आ जाएंगे, सोच रहे हैं। और तो मैं सबके लिए पहले चाय बनाऊंगी और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। मेरा कैमरा फिर से बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा है, मतलब मेरा कैमरा कभी भी फोकस में आता ही नहीं है। तो मैं बनाऊंगी चाय सबके लिए, उसके बाद हम खाना बनाएंगे। और मैंने ना मिर्च लेके आई थी, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मैं पोर्क लेके आई हूँ और चिकन लेके आई हूँ। आज संडे है इसलिए मैं अच्छे से बनाऊंगी, सब लोगों को खिलाऊंगी, नहीं तो मंडे से सैटरडे तक मेरा ऑफिस रहता है, और उसके बाद मेरा यूट्यूब का काम वगैरह रहता है, एडिटिंग रहता है, शूट रहता है, और कंटेंट लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ। आज बात करते करते व्लॉग्स भी बना रही हूँ और साथ साथ चाय भी बना रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ। तो मैं लेके आई थी पोर्क, तो देखिए इतना सारा पोर्क लेके आई हूँ, और जो भी भाई लोग पोर्क नहीं खाएगा उनके लिए फिर चिकन लेके आई हूँ, तो चिकन और पोर्क दोनों साथ है, तो चलिए फिर चाय देते हैं सब लोगों को। देखिए इतना सारा पोर्क लेके आई हूँ और चिकन, जो पोर्क नहीं खाएगा वो जो पोर्क नहीं खाएगा वो चिकन खाएगा। तो मैं ना आते वक्त थोड़ा सा स्वीट्स लेके आई थी चाय के साथ पीने के लिए, और फिलहाल किचन यही है, यही मेरा 5 स्टार वाला किचन है फिलहाल के लिए। तो अभी मेरा चाय उबल रहा है, रेड टी बनाएंगे और यहाँ पे स्वीट्स देंगे सबको। तो मैंने ऐसा प्लास्टिक का कप रेडी करके रखा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा कप धोना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, कप तो टूट ही गया है, सो इसीलिए अभी चाय इसी कप में देंगे, चाय और यहाँ पे रेड टी। तो चलिए चाय देते हैं सब लोगों को। तो मैं दे रही हूँ सबको चाय क्योंकि खाना बनने में अभी भी 2 घंटा लग जाएगा, और अभी 11 तो बज ही गया है, तो इसलिए मैंने सबको चाय अभी से दे के रखी हूँ ताकि थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाए और अच्छा भी लगे। तो इसलिए मैं सबके लिए चाय बनाई हूँ, और मैं जो आते वक्त लेके आई थी जलेबी और स्वीट्स वगैरह वही सबको दे रही हूँ मैं चाय। तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को खिला के। मैं बना रही हूँ सैलेड, और मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है।
बस खाने के लिए देरी हो रहे हैं। तो देखिए मेरा सैलड रेडी हो गया है और स्पेशल सा सैलड जो कि रेडी हो गया है अभी खाने के लिए। अभी जो कचरा बचा है ये होगा मेरा रैबिट के लिए, तो हम इसको रैबिट को देके आते हैं, तो आप लोग भी चलिए। तो मेरा रैबिट साथ था लेकिन अभी एक दो तो इन लोग जो काम करते हैं उन लोग लेके गए अपने घर पे, और मुझे भी नहीं चाहिए अब इतना सारा क्योंकि अभी इन लोग के लिए टाइम भी होना पड़ता है और मेरे पास टाइम भी नहीं इन लोग को देखभाल करने के लिए। तो अभी दो तीन दिन बचा, दो तीन जो है वो बचा है, वो ऐसे ही और बनाई उन लोग के साथ खेलता है तभी मैं रखी हुई हूँ। तो जो भी गाजर मूला जो भी कुछ भी, तो यहाँ पे मेरा चिकन बन रहा है, देखिए टेस्टी टेस्टी चिकन बन रहा है। अगर आप लोगों को खाना है तो आप लोग भी आ सकते हैं, स्पेशल सा चिकन। और यहाँ पे देखिए चावल भी रेडी हो गया है और यहाँ पे चावल डालना पड़ेगा और मेरा स्पेशल सा पोर्क। तो मेरा चावल भी रेडी हो गया है, पोर्क भी रेडी हो गया है, वहाँ पे सैलड रेडी हो गया है, खाने का बाकी है। अब अगर उन लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा अभी बोलेगा कि खाने के लिए, तब हम ये लेके जाएंगे और आप लोग भी वेट कीजिए। तो वनायु सुबह से घर नहीं आ रहा है और वो यहाँ पे खेल रहा है नेबर के घर पे, तो वनायु को हम हम यहाँ पे पीछने आए हैं कि सुबह से हम वेट करें, वो नहीं आ रहे हैं। और आप लोग का वनायु का हाल देखिए कैसा है, तुम्हें घर न जुआ सिमटम दादा लोग ठगीबा, तुम्हें माम खाबा ने भानु माम खाबा ने घर ले नुजुआ, तुम घर ले नुजुआ, एटा म आसारी लय आहो नेके। तो वनायु नेबर के घर पे खेल रहा है और आने के लिए नहीं मान रहा है, अब हमें पीटना पड़ेगा उसे, तो डंडा लेके जाना पड़ेगा, फिर आएगा मार खाना खोज रहा है वो, तभी नहीं आ रहा, सुबह से नहीं आ रहे, आज ना ही कुछ खा रहे हैं ना ही घर आ रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी उसको, मैं फ्राई करूंगी अभी फिर वो आ जाएगा। तो मेरा खाना वाना सब रेडी हो गया है, अब थोड़ी देर बाद हम उन लोग को देंगे। तो आप लोग देखना मत भूलिए मेरा प्यारा सा ब्लॉग्स जो कि आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा थैंक यू, इतना सारा कॉमेंट्स करते हैं, अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच। तो फाइनली मेरा खाना हो गया है और मैं सबको खाना दे रही हूँ, तो कोई कोई पोर्क खा रहा है, कोई कोई चिकन खा रहे हैं, तो उन लोग को ग्रेवी पसंद है बोला, इसलिए मैंने पोर्क का भी ग्रेवी बना दिया हूँ। दाल तो था पर उन लोग बोले दाल नहीं खाएंगे, और ये दोनों चिकन खाएंगे, इन लोग को चिकन ही खाते हैं, इन लोग को चिकन पसंद है। तो इन लोग को खाना दे रही हूँ मैं और उसके बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि वनायु को ऑलरेडी मैंने खिला दिया था, तो सैलड भी बहुत ज़्यादा ही था, तो इन लोग पहले ही थोड़ा बहुत खा लिया था, इसलिए सैलड भी थोड़ा बहुत ही बचा है। तो इन लोग को मैंने खाना दे दिया है अभी कंप्लीट, अब इन लोग आराम से खाना खा पाएंगे, खाना खा रहे हैं इन लोग और इसके बाद हम खाना खाएंगे। पता नहीं कैसा बन रहा है लेकिन टेस्टी ही बनेगा, मैं तो ख़राब बनाती नहीं हूँ, फिर भी आज शायद इतना अच्छा नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत जन लोग था, इसीलिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, ज़्यादा बनाने से ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आता है। इस मैंने खाना खा लिया है और सबको भी खाना दे दिया, तो आज का मज़ेदार वाला व्लॉग्स कैसा लगा बताइएगा कॉमेंट्स में, बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स कीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा, और अगर अच्छा लगे ना लाइक कॉमेंट शेयर कीजिएगा। फिर से आएंगे अच्छा सा व्लॉग्स के साथ आप लोगों का सारा, तब तक आप लोग खुश रहिए और सेफ रहिए, बाय बाय।